कुकुरे बिराला छुड़के छोरी मीठा मीठा आंदा और मेरी माँ जी हुंदी तो बुलू हुंदी लड़ा बाड़ी तुआरा के दिन जालू माँ जी आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हाँ दाना ऐसा वैसा तो लशिया पट्टी है वहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। तो मानो क्या चे? प्रियंका तो फिरी बिजली पानी पहाड़ों के बच्चों के हाल जय हो माँ मठियाणा की। हेलो दगड़ियों नमस्कार नमस्कार। बड़ों ते मेरु सादर प्रणाम, छोटों ते जीव भर का आशीर्वाद। उम्मीद करो आप सभी ठीक ही होला, मस्त होला, स्वस्थ होला और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों के सामने। तो दगड़ियों आज की जो ब्लॉग की शुरुआत दोपहर के टाइम से होनी चाहिए और आज की जो ब्लॉग की शुरुआत होनी चाहिए काफल डाला बेटा आप लोग देखना होला कि थी का माना काफल से ना यहाँ का। और आज को जो ब्लॉग जो पूरा गढ़वाली में होलू। तो दगड़ियों अभी मैं जानू छो काफला का डाला पर। तो आजकल हमारे बहुत ही ज़्यादा काफल आए हैं ना और मैं देख रही थी मैं दगड़िया कल्पना जो कि हमेशा यानी कि आज मेरे ब्लॉग तय साल भर वेगी यानी कि एक साल वेग पूरे। तो ये दगड़ियों पहले भी वही रही दगड़ा में आज भी वही हम दो आदमी यहाँ से काफल होते हैं। तो अभी फिलहाल वो जी वाला डाला पर और मैं जानू छे ये वाला डाला पर मिल सकता आप लोग होते डाला टुकू माँ कितना माना काफल से नहीं खोएंगा और बहुत ही मीठा मीठा होना चाहिए ना मेरे दगड़े जी इंच पार वाला डाला पर कल हाई कर हाई। तो अभी कल लो विजय अच्छा माने कि मैं तेरा पहला ब्लॉग देखो जो बल्ले और हम तो बकन बुआ चबल कि हाँ दाना ऐसा वैसा बोलना तो अभी भी नहीं आया दोस्तों पर क्या करे बोलना पड़ता ही है। और अभी आप लोग देखिए कितने ज़्यादा काफल है इस पेड़ पर। वैसे दोस्तों अभी हम लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा है और अभी थोड़ा बहुत डर भी लगा रहता है जंगलों में। और मैं आपको बता दूं जो लंगूर होते हैं उन्होंने यहाँ के सारे काफल खाए कम हैं लेकिन तोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पेड़ को कितना तोड़ा गया है और उतना वो खाते नहीं जितना तोड़ते हैं। आह क्या स्वाद है चकाचक मज़ा आ गया। सॉरी दोस्तों आप लोगों को तरसा रही हूँ पर क्या करें काफल का स्वाद है ही ऐसा। तो हम भी लंगूर यानी कि बोणी जन छा यहाँ डाल पर आप लोग देखना होला और क्या जबरदस्त काफल से अग्नि पिछने देख लिया। आय हाय आप लोग भी जरूर मन होल काफल खाना से। मोटा भवी है आजकल वहाँ कमेंट भी करने का कम खा मोटे कम खा इतना भयंकर कमेंट आ रहे हैं दोस्तों क्या करें। तब थोड़ा बहुत तो निकाल लिए हैं और यहाँ ऐसा होता है कि जो पेड़ पर गए तो वह तो मिली जो निजेस है कि तो वो तो भाई मरे धारों को पानी और वो गाना तो आप लोगों से सुनी बोल तो मैं धारों को पानी वालू तो बिसलेरी वाली दगड़ी एकदम ठंडो ठंडो पानी ओण चे और आप लोग भी जरूर इच्छा होली ये ठंडो ठंडो पानी पियोने। दगड़ियो तो मनु गाने तो सोनी होलू बिल्कुल हमारे पहाड़ से रिलेटेड तक फिरी बिजली पानी यक लंपो जगोंदा तक कुकुरे बिराला यक घोड़ी भैंसू चरोंदा तू मनी प्लांट वाली मेरा चौक का फुलेडा। तो दोस्तों ये जो लोग हैं ये लशिया पट्टी हमारे यानी कि जो हमारी भरदार पट्टी है और दूसरा जो पट्टी है लशिया पट्टी से आए हैं काफल के लिए यहाँ। तो जो हमारी दीदी जी है उनके ओ लोड सिंधु अच्छा वही किचन अंत दीदी लोहड़ी है पुष्पा दीदी लोहड़ी अच्छा यानी कि हमारी दीदी की बेटियां है। दगड़ियों देख लिया इधा इधा काफल सुबह निकाले अच्छे ना तुम सपन भार डब हाँ। अच्छा तुम्हारा नो क्या प्रियंका प्रियंका तुम्हारा खुशबू खुशबू वाह और अंश कार्य निकाले इतने वाह 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 ये तो है ही वे क्यूट गर्ल है ना।
तो दोस्तों ये है हमारी दीदी जी की लड़कियाँ, यानी कि जो लसिया पट्टी है वहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हैं काफल के लिए। तो हमारे भरदार क्षेत्र में, खासकर मातगांव भरदार में, तो लोग अक्सर ढोंडा सोंदा मेहरगांव से आते रहते काफल के लिए। और अंशिका ने निकाले इतने, हमने भी थोड़ा बहुत निकाल दिए हैं। और ये देखो इन्होंने तो फुल डब्बा भर लिया, इसे हम पहाड़ में बोलते हैं कमंडल। तो आज लसिया वालों से मुलाकात हो गई। तुम हम तो पहचान दे नहीं पहचान सा अलो बड़ी बेइज्जती हुई है क्या कहता है। तो ठीक बाय कर दिया, बाय, कल मिलेंगे, फिर मिलेंगे जल्दी। परसों अंशिका ने बोल दिया था कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, पर मुझे तो बहुत बेकार लगा कि जब मैंने सुना कि अंशिका दिल्ली जा रही है तो पता नहीं क्या हुआ। नहीं जी ना, कोई बात नहीं, मत जाना अपना पहाड़ छोड़ के। वैसे दोस्तों हमारी सूचना तो यही है कि पहाड़ छोड़ के नहीं जाएंगे, क्या नहीं करेंगे, पहाड़ छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको ठीक घर में, बाय बाय। यूं हमारे बड़ी जी कनी झिंगुड़ा है, बड़ी गोल्डन छे। अच्छा दोस्तों आपने तो वो गाना सुना होगा, हमारे गांव में होते हैं चूल्हे, तो छुड़की छोरी मीठा मीठा आंदा तेरे मुल्क के चोग खुमानी खुमानी खुमानी। तुम आंसे का बताओ कैसा होता है चूल्हों का स्वाद, खट्टा की मीठा? अभी तो खट्टे हैं, कच्चे में खट्टे है ना, पकने के बाद बहुत ही मीठे होते हैं। चूल्हे की बनती है चटनी, आपने भी खाई चूल्हे की चटनी? चटनी बनाने के लिए लेके जा रहे हैं। अलो हमें भी दो यार थोड़ा बहुत। देवभूमि उत्तराखंड में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ के लोग भी इतने दयावान है। देखो मैंने इनसे चूल्हा मांगा और कितने सारे दे दिए इन्होंने, बस बस। इसे बोलते हैं विश्वास, किसी पर विश्वास करना, यही हमारे पहाड़ की पहचान है। क्या है? किसी पर पहाड़ की पहचान है किसी पर विश्वास करना ना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और उस भरोसे को निभाना भी चाहिए ना। हमारे घर में यहाँ ना हमारे कॉमेडी बुआ जी, तो आप लोग हमारे बुआ जी तो बहुत मिस सवाल करना का। तो बुआ जी ठीक छे तुम? हाँ बस। आप सब्सक्राइब लोग तो हेलो कर दिया। हेलो ठीक छे बना आप सभी? हाँ सब ठीक हो। हाँ तो पुफू हाल चाल ठीक छे? हाँ बहुत टाइम हुए जो। हाँ तो यहाँ पर मम्मी ने काफल बांट लिया थाली में, तो अब हम इसमें नमक डालेंगे, तेल डालेंगे, उसके बाद खाएंगे। रुको तो कार देखिए दोस्तों, हमने इसमें डाल दिया है तेल, और तेल डालने के बाद होता है, और अब डालेंगे हम इसमें नमक। वैसे दोस्तों जो ये वाला नमक है ये दादी का पीसा हुआ नमक है, दादी तो चली गई बेचारे, अब भगवान हो गई मेरी दादी, और नमक खा रहे हम लोग। काफल में जो नमक और तेल डालने के बाद इतने स्वादिष्ट होते हैं ना दोस्तों, क्या बताऊँ मैं, कितने स्वादिष्ट होते हैं। पहाड़ी खाने का स्टाइल कैसा है बुआ? बुआ खाओ तो क्या कैसा स्टाइल ऐसा एक भी नहीं गिरेगा है, ये है पहाड़ी स्टाइल। वाह यार दगड़ियों का फल भी यह इन चीज की सब उधर चखोण पड़ दी, और जन समूढ़ जन उनकी जन यह लेक तो सब उधर दिवान पड़ दे, और पहाड़ी लोग तो हम इन छह ही छह क्यों बुआ जी कि सब उधर दिवान पड़। हाँ तो अभी माँ थोड़ा बहुत पुप्पू लड़की थे विदेल घर है, क्योंकि पुप्पू लड़की थोड़ा छोटी छोटी से ना, तो बाढ़ पर थोड़ा डर लगी जानी। तो दगड़ियों आय हाय नमक की खुशबू और काफल का स्वाद एकदम चकाचक के बनता है, कथा स्वादिष्ट का फल है। अब पहाड़ी खाने का तरीका ऐसा मेरे बस का नहीं है, बोले क्यों नहीं है, एक दिन हम जाएंगे काफल के लिए ठीक है। तबुआ लगाएगी मस्त गाना, अब चूल्हा तो चटनी बनवा तो ले गए थे हम। लड़ा बाड़ी त्वार के दिन जालू माजी, जालू माजी सूर्यों खाओ पारा। वाह तो दगड़ियों जो सूर्य खाल का गाना बुआ जी ने अपनी तरफ से मिसा के लगाया है, तो सूर्य खाल यानी कि जहाँ सूर्य खाल बोलते हैं उसके पीछे है बुआ जी का मायका। तो बुआ जी ने देखो कितना मस्त गाना लगाया है, पहाड़ी महिला में यही टैलेंट है। एक और गाना हो जाए बुआ? हाँ क्यों ना, बिल्कुल लगाइए। मेरी माँ जी सूर्य खा पारा, घास गा घोलू प्यारी माँ का ग्वाद, सुन दागू उड़िया कूरा
लू बाड़ाना। वाह वाह वाह, क्या टैलेंट है दोस्तों। इस टैलेंट को तो मैं सल्यूट करती हूँ। काश ये टैलेंट हमारे पास भी होता तो कसम से हम तो वायरल हो जाते। ये टैलेंट हमारे पास नहीं है कि मतलब कहीं पर किसी पहले की महिलाएं के पास फोन तो था नहीं। वाह दगड़ियों, वाह 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 वाह। बुआ जी तुम तो दिल से सल्यूट छे। दगड़ियों जो यू गाना ची यू ची आप माँ ते यू आप भूल भय बंद होते चु गाना कि हाँ। माँ जी भूला हुंदा तो लियो आन हुंदा और मेरी माँ जी हुंदी तो भूलू हुंदी यू गाना यंच। तो दगड़ियों देख ला कि था इमोशनल गाना छन पहला जमाना का। और पहले जमाने की जो महिला ही छे ना वो पास फोन नहीं छो तो यहाँ हम जैसी बोणु बोणु माँ गीत लाना छा तो बहुत ही अच्छे लगो छो। लेकिन अब वो रौनक नहीं रहेंगी। अब तो सारा जो नए नए बहू चिन्ह होनी सब फोन पर रील्स वगैरह से बन होनी और पता नहीं चलो कोक्सिन जाने क्यों पोपो। जब आप माँ बाप भै बोलो कथी दया भी बोल जाती है भै बोल कथी भी बोलो पर जन आप माँ बाप दौड़ी होना रोना तन के दौड़ी होती ख्याल में बाबा को मरे का साल होगी। तुम्हारा माँ भी छपो माँ तो कभी मरी छोड़ो तब हम छोटा छोटा छे। बहुत ही दुख भरी कहानी है दोस्तों बुआ की भी कि मम्मी तो काफी टाइम पहले गुजर गई थी लेकिन बाबा जी भी चले गए। बस ये बात तो बिल्कुल है दोस्तों कि माँ बाप के जाने के बाद कोई नहीं देखता। भाई बहन भी नहीं होते किसी के साल होएगी मैं मेरे का की में बेवन बेवन कोई नहीं किसी के भाई बहन नहीं होते सिर्फ माँ बाप ही साथ देते हैं वरना कोई नहीं। जान वही तो बहुत दुख भरी कहानी दोस्तों बुआ की भी बाबा वैसे ही मेरी माँ की भी माँ। अरे यार इस टाइम बुआ कहीं रो तो नहीं गई थी। अरे तो दोस्तों बुआ की आंखों में भी आंसू आ गए थे क्योंकि बुआ जी ने अपने माता पिता के लिए गाना लगाया है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों माता पिता के बराबर कोई नहीं होता दुनिया में कोई नहीं।